ठीक है, ताकि अच्छे से फूले हमारा भटूरा। तो इसको 15 मिनट तक छोड़ते हैं, उसके बाद जब भटूरे बनाएंगे तब देखेंगे किस तरीके से इसको लगाना है, तेल कितना गर्म रखना है। आ जाएगी ये देख लो, देखने में आपको पता चल गया होगा। ये देख लो यार, बिल्कुल एकदम हल्दीराम। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे छोले भटूरे के भटूरे बनने जा रहे हैं। तो बताओगे अंकल जी ये कितना मैदा होगा? ये आधा किलो मैदा। ये आधा किलो मैदा, और इसमें अंकल मिला रहे हैं सूजी। कौन सी अंकल, ये मोटी वाली पतली वाली? बारीक सूजी। बारीक सूजी, और कितना मिला है ये? 150 ग्राम। 150 ग्राम इसमें सूजी डाली है, और अब अंकल इसमें डाल रहे हैं, ये देख लो, 5 ग्राम ईस्ट डाली अंकल ने इसमें, जो इसको फुलावट के लिए होता है। ठीक है, और एक चम्मच इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। अब इसको लगाएंगे, गूंदेंगे इसको, पानी डालेंगे। इसमें तेल नहीं जाएगा अंकल जी? तेल नहीं डालेंगे, तेल बाद डालेंगे ऊपर से, हाथ में चिपकेगा। अच्छा ठीक है, तो इसको गूंदेंगे और रखेंगे कैसे? इसको टाइट रखना है, सॉफ्ट रखना है? ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा मुलायम। अच्छा, नॉर्मल जैसा आटे की तरह रखते हैं हम घर में रोटी के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको गूंदने देते हैं, और देखते रहो आप किस तरीके से गूंद रहे हैं। जब ये फाइनल अपना गूंद के रेडी हो जाएगा तब आपको दिखाते हैं। तो ये बीच बीच में आप देखते रहो किस तरीके से इसको गूंदना है। बाकी घर में आप आटा गूंदते ही होगे डेली, उसी तरीके से इसको भी करना है। लेकिन ये हाथ में चिपके ना, इसके लिए बाद में अंकल जी इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तो जब लगाएंगे तब मैं आपको वो आगे दिखाता हूँ। तो इसे गूंदने देते हैं। तो ये देख लो भाई, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे इसको गूंदने में। यहाँ पे ये ऐसे, ये देख लो किस तरीके से, ये कितना ढीला सा ये अभी, जैसे आटा होता है ना गीला वैसा है। अब इसमें तेल लगाएंगे ये, ये देख लो। अब अंकल जी ने हाथों में और थोड़ा सा मैदे में लगा दिया है तेल। अब ये ऐसे गूंद रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे आप शॉप में जाते होगे तो वहाँ पे भी मैदा जो रहता है थोड़ा सा ऐसा ढीला सा ही रहता है, थोड़ा सॉफ्ट सा ही रहता है। तो ये बन के रेडी अंकल जी? हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा सा ऐसे दबा के दिखाओगे इसको एक बार उंगलियों से? उंगलियों से ये देख लो, जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा नरम होता है। अच्छा, मतलब अंकल जी कह रहे हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे नरम होता है। और कितनी देर तक इसको छोड़ेंगे कि ये सेट हो जाए? बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। 15 मिनट इसको छोड़ना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, ताकि अच्छे से फूले हमारा भटूरा। तो इसको 15 मिनट तक छोड़ते हैं, उसके बाद जब भटूरे बनाएंगे तब देखेंगे किस तरीके से इसको लगाना है, तेल कितना गर्म रखना है। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे भटूरा बनना रेडी हो रहा है। ये भटूरा अंकल को लगाने देते हैं पहले वाला, उसके बाद जब वो दूसरा भटूरा लगाएंगे वो वाला मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लगाना है। तो ये देख लो कितना बढ़िया तरीके से ये फूल रहा है, और शेप आपके ऊपर है, जैसे आप देनी चाहो, जैसे हल्दीराम वगैरह में देते हैं वो लंबे टाइप की सी में, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो फर्स्ट टाइम में नहीं बनेगा। ये देख लो किस तरीके से कर रहे हैं, ये हाथों में लिया, 8-10 तालियां मारी और आपका बनके तैयार हो जाएगी उसकी शेप। और ये घुमा के तेल में डाल दिया, और फिर इस तरीके से इसको बनाना है। और अंकल जी जैसे हल्दीराम वगैरह में नहीं बनाते, वो लंबा टाइप का सा होता है, वो किस तरीके से बनता है एक बार वो वाला बना के दिखा दोगे? थैंक यू अंकल, एक बार वो वाला बना के दिखा दो, क्योंकि लोगों को ना वो खाने से ज़्यादा देखने का पसंद होता है कि वो किस तरीके से बनता कैसे है। वो अंकल से रिक्वेस्ट करिए जैसे हल्दीराम वगैरह में बनता ना वो लंबा टाइप का सा, एक बार वो बना के दिखा दो। तो वो देख लो आप एक बारी, बस उसके लिए है उसको थोड़ा लंबा कर दो, शेप उसकी थोड़े लंबे में आ जाएगी। ये देख लो, देखने में आपको पता चल गया होगा। ये देख लो यार, बिल्कुल एकदम हल्दीराम। और प्राइस क्या रहने वाले अंकल इस छोले भटूरे का? 40 रुपये। भाई यही भटूरा आपको हल्दीराम में ना, मुकेश कितने का होगा? 150-200 रुपये का तो होगा, लास्ट टाइम जब मैंने खाया था 150 रुपये का था। ज़्यादा ही होगा बल्कि, हाँ ज़्यादा का ही होगा, 150-200 रुपये तक के आसपास तो होगा। यहाँ पे आओ विक्रम स्वीट्स में, आपको दिखा देता हूँ मैं, सामने गुजरात भवन है,
वहाँ से अंदर आप जैसे ही आओगे यहाँ पे ये विक्रम स्वीट्स है, ये रहा, काफ़ी सारे आइटम इनके पास है, समोसे कचौड़ी वगैरह, यहाँ पे आप आओ विज़िट करो, खाओ, अंकल जी से मिलो, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और थैंक यू अंकल छोले भटूरे की रेसिपी बताने के लिए। भटूरे तो ये देख लो, छोले भी देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, भटूरा तो मैंने आपको दिखाई दिया था एकदम हल्दीराम तरीके से, या आपको गोल शेप वाला चाहिए या हल्दीराम की तरीके वाला चाहिए, तो ये देख लो छोले भी दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसकी वीडियो आ चुकी है, देख लेना वो, उसके बाद ये देखना। और यहाँ पर आओ विक्रम स्वीट्स में, सामने है गुजरात भवन, ठीक उसके सामने यहाँ पे विक्रम स्वीट्स है, यहाँ पर आओ खाओ और हमें बताओ कैसा लगा, अंकल जी से मिलो। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, थैंक यू सो मच।